हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और अभी जो आपने आलाप सुना शायद आपको पता चल ही गया होगा कि ये राग भैरव है जिसमें रे और ध कोमल लगते हैं। ऐसा ये बहुत प्यारा सा राग है भैरव। भैरव का परिचय और भैरव की एक छोटा ख्याल यानी मध्यालय की बंदिश बोलो शिव शिव बानी मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, तो भैरव का परिचय आप उसी में से देख लीजिएगा, तो इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि भैरव में रे और ध कोमल लगते हैं, आंदोलित लगते हैं। वादी स्वर ध है और कोमल संवादी स्वर रे है। भैरव थाट का ये राग है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश अर्ली मॉर्निंग गाने का राग है। तो इसकी विलंबित लय की बंदिश अब हम करने जा रहे हैं। विलंबित यानी बड़ा ख्याल, तो ये बड़ा ख्याल है विलंबित जपताल में। 10 मात्रा का जपताल है, तो जपताल के बोल है 10 मात्रा है। दिन ना दिन दिन ना तिन ना दिन दिन ना। तो ये विलंबित इससे भी थोड़ा विलंबित है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मॉडरेट स्पीड रखूंगा ताकि आप समझ सकें। एक्चुअली गाने बजाने में बहुत विलंबित होता है। धीन ना धीन धीन ना, ये स्पीड होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहली लाइन। आज नंदलाल सखी, आज नंदलाल सखी प्रेम मादक पिए। ग म रे ग म रे 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 सा सा प्रेम ग म रे मादक पिसे ग म रे कपी रे रे सा सा पीए। फिर से एक बार नोटेशन। ग म रे ग म रे 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 सा 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 संग ललना लिए ये मंत्र सप्तक का नीचे का कोमल ध है
और नी के स्पर्श से लेना है, ऐसा नहीं द द द नी सा रे 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 सा सा सौ ग ल ल ना ले। फिर ग पहले लाइन जो आ चुकी है वही लाइन फिर से आती है, तेरा जामुना बरन तीर जमुना बरन ग म रे ग म रे 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 सा सा मुखड़ा लेने का आ ज न द लाल सखी सा 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 ग म द ध म प प। अब अंतरा फूली केसर कमल, फूली केसर कमल, फूली केसर कमल म ग म मालती सघन बन मालती सघन बन मालती सघन बन। मंद मंद सुगंध सुगंध शीतल स
समीर बरन। शीतला समीर बरन, शीतला समीर यहां से आता है मुखड़ा फिर से सा 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 ग म ड ध म प प आ ज न द ला ल स की। इतना सा मुखड़ा लेने के बाद आप थोड़ा आलाप कर सकते हैं, जैसे सा ग म प ग म ध ध म प ग म र सा आ ज न द ला ग म ध प ग म ध नि रे द र नि र प ध म प ग म र रे सा आ ज न द ला स की। अब पांच मात्रा का मुखड़ा लेके आज नंद आज नंद, इतना सा मुखड़ा लेके फिर पांच मात्रा की तान, और फिर दस मात्रा का पूरा मुखड़ा लेके दस मात्रा की तान। कुछ तान में बता देता हूँ, आप इसको भी तैयार कीजिएगा। आज नंद सा ग म प ग म ध प ग म प प ग म प ग म र सा आ ज नंद ग म ध प ग म प प ध म प ग म प ग म र सा आ ज नंद सा नि ध ब म प ध नि सा नि ध ब म प ग म र सा ग आ ज नंद लाल सखी धनि सानी ध ब म प धनि सा रे सा नि सा नि नि ध ब म प ध प ग म प प ग म प ग म रे सा आ ज नंद लाल सखी सा ग म प धनि सा रे सा नि सा नि ध ब ग म प ग म रे सा ग म प ग म रे सा ग म प ग म रे सा आ ज नंद लाल सखी ग म ग म म प म प प द प द ध नि ध नि सा रे सा सा नि ध ब म प ग म ग म रे सा ग म रे सा ग म रे सा आ ज नंद लाल सखी। जब हम बड़ा ख्याल करते हैं, गाते हैं या बजाते हैं, तो जब उसका मुखड़ा स्थाई अंतरा जब गाते हैं तब लय धीमी होती है, फिर उसमें जब हम आलाप करते हैं तब भी लय वही होती है, धीमी होती है, फिर जब तान की बारी आती है तो थोड़ी सी लय बढ़ा के फिर ये तान करते हैं तो अच्छी लगती है। नहीं तो क्या, धीमी गति में तान अच्छी। सा ग म प ग म ध प ग म प प ग म प ग म रे सा आ, ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर तान लेते हैं। सा ग म प ग म ध प ग म प प ग म प ग म रे सा आ ज नंद लाल सखी। तो ये हो गया पूरा।
राग भैरव में। बहुत प्राचीन और भगवान शिव ने उत्पन्न किया हुआ ये राग है ऐसा माना जाता है। शिव को बहुत पसंद है इस राग में, शिव की स्तुतियां बहुत मिल जाती है। इससे पहले भी मैंने एक शिव की स्तुति इसी राग में करवाई है, आप इसे भी अवश्य करना और कैसी लगी हमें बताइएगा। मुझे देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे क्रम के मुताबिक एक फिल्मी गाना भी ले लेते हैं, राग अहिर भैरव में। ये अभी हमने जो किया वो भैरव था, अब मैं जो गाना लेने जा रहा हूँ वो है अहिर भैरव में। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अहिर भैरव में रे और नी कोमल लगते हैं, भैरव में रे और ध कोमल लगते हैं। तो अभी मैं जो गाना बजाने जा रहा हूँ वो है अहिर भैरव में, जिसमें रे और नी कोमल लगेंगे, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं और संपूर्ण जाति का तमाम स्वर लगते हैं, इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। तो अहिर भैरव में, वैसे मैंने अहिर भैरव की 3 एपिसोड में दे चुका हूँ, अलबेला सजन आयो रे, फिर कर्म कर दीजिए, और एक आलाप का मैं एपिसोड दे चुका हूँ अहिर भैरव में। अब ये अहिर भैरव में एक और गीत है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, मन्ना डे की आवाज़ में है ये गाना। में सफ़ेद तिन यानी ई की फ्लूट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ताल है अधा, स्पीड है 140 BPM।